जय श्री राम मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं जो बागेश्वर धाम के बारे में, जो अन्नपूर्णिमा रसोई भंडार जहाँ चलता रहता है। लाखों भक्त रोजाना भोजन ग्रहण प्रसाद ग्रहण करते हैं। जी हाँ, जो गाड़ा गांव की रसोई है अन्नपूर्णिमा भंडार, आप देख सकते हैं रोटी मशीन और जो सेवादार हैं स्त्री पुरुष सभी, जो भी जिसका भाव है सेवा करने का, सभी गाड़ा गाँव वासी सेवा देख सकते हैं। वो नेपाल में है गुरुदेव जी, तो धाम पर सेवादार सब सेवा कर रहे हैं, सब सेवा संभाल रहे हैं और अन्नपूर्णा रसोई की सेवा सब सेवादारों को सौंप रखी है, जो कि आप देख सकते हैं दर्शन के माध्यम से। आलू बने हैं और उड़द बने हैं वो, और दाल फुलके बहुत सारी चीज़ें बनी हैं, जैसे कि चावल जो प्रसाद में मिले हैं, और सभी भक्त लाइन से लग के प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, अपनी भूख को शांत कर रहे हैं। और ये बहुत बालाजी कृपा है, जो भी इनके धाम पे आता है कोई भी भूखा नहीं जाता और रोते रोते आता है, हंसते हंसते जाता है। यही बागेश्वर धाम की महिमा है। और अब बताने जा रहे हैं पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में। जी हाँ, ये भी इनका भी बहुत सरल तरीके का एक स्वभाव है, जो अन्नपूर्णिमा रसोई है बागेश्वर, वो बहुत ही अद्भुत सुबह से शाम तक चलती है वृंदावन में, और बहुत सभी संत भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। जो भी बाहर से दूर से आते हैं भक्त वृंदावन घूमने, वो भी गुरुगोपाल आश्रम का प्रसाद ग्रहण करते हैं, और स्वयं महाराज जी अपने हाथों से सेवा खुद देते हैं और सभी को साथ में अपने समय देते हैं, और सभी कार्यों में अपना खुद साथ में खड़े होकर करवाते हैं, और बहुत अच्छे से स्वभाव है इनका महाराज जी का। आप बताने जा रहे हैं देवकी नंदन ठाकुर जी के बारे में, जो कि आप भी ये भी जानते हैं, ये भी वृंदावन में रहते हैं, और इनका भी बहुत प्यारा सा एक स्वभाव है, जो कि कथा भी बहुत सुंदर करते हैं। काफ़ी टाइम हो चुका है इनको कथा करते करते, काफ़ी पुराने कथा बच्चे कहेंगे, और इनका प्यारा सा परिवार है, और आप देख सकते हैं कन्याओं ने सभी ने आशीर्वाद दिया महाराज जी को, और बहुत अच्छे से इनकी आरती तिलक की है महाराज जी ने, और बहुत ही अद्भुत इनका ये रूप लगा, और बहुत घर कन्या बुलाई, और बहुत ही अच्छे से ये व्रत पूरे किए महाराज जी ने नवरात्र के, और बहुत ही आनंद आया आपके नवरात्रों में, बहुत ही प्यारे लगा सभी को, और अच्छे से मनाए। और अब बताने जा रहा है प्रदीप मिश्रा जी के बारे में। जी हाँ, जो शीरपुरी धाम के दर्शन हो रहे हैं आपको, और उसमें बहुत ही सुंदर एक प्यारा सा मंदिर है जो महादेव जी का है, आप दर्शन कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, और बहुत ही अद्भुत ये मंदिर है। और आप चारों महाराज जी के बारे में जानना चाहते हो तो पूरे कमेंट में आप लिख सकते हो, बेझिझक पूछ सकते हो जानकारी। हालांकि अब को प्रदीप मिश्रा जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अब इनका स्वास्थ्य सही नहीं है अभी, तो महादेव जी की कृपा, सभी भक्त प्रार्थना करें जल्दी से सही होए और कथा करें महाराज जी, और बहुत अच्छे से हमें सभी महादेव जी के बारे में ज्ञान मिले। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, नए चैनल सब्सक्राइब कर लें, तक